अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द हिप बोन। दिस इज माय चैनल पोस्ट ग्रेजुएट, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आप लोग हिप बोन के बारे में जानते हैं कि हिप बोन ये पेल्विक गर्डल बनाती है। हमारे पास दो हिप बोन है, एक हमारी राइट साइड की हिप बोन है और एक हमारी लेफ्ट साइड की हिप बोन है। ये दोनों बोन कंबाइन करके पेल्विक गर्डल की फॉर्मेशन करती हैं। सो आई हैव सेपरेटेड हिप बोन। सो इसमें आप देख सकते हैं कि हिप बोन एक इंडिविजुअल बोन नहीं है, बल्कि तीन बोन्स मिलके एक हिप बोन की फॉर्मेशन करती हैं। सो इसलिए इसका नाम इननोमिनेट बोन भी है। इननोमिनेट मतलब हैविंग नो नेम। सो दीज आर थ्री बोन्स, वन इज इलियम, प्यूबिस एंड इस्कियम। ये तीनों बोन कंबाइन करती हैं एंड दे फॉर्म हिप बोन। इट फॉर्म बोनी पेल्विस एंड दिस इज आर टाइप ऑफ फ्लैट एंड इरेगुलर बोन। फ्लैट का मतलब ये होता है कि इसके एक फ्लैट का मतलब ये होता है कि ये एक बोन है जिसकी दोनों साइडों पे कॉर्टिकल लेयर है और दरमियान में स्पॉन्जी बोन लाई कर रही है। एंड ड्यू टू इट्स शेप इसको इरेगुलर बोन में कैटेगराइज किया जाता है। एंड ये दोनों बोन मिलके पेल्विक गर्डल बनाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये हमारा एक्सियल स्केलेटन है जो कि एक्सिस में लाइक कर रहा है और ये दूसरा हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अब एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन से जोड़ने के लिए गर्डल्स बने होते हैं। अपर लिम का पेक्टोरल गर्डल होता है और लोअर लिम का पेल्विक गर्डल होता है। तो पेल्विक गर्डल जो है वो हमारी ये दोनों की दोनों हिप बोन जो कि एंटीरियरली कंबाइन कर रही हैं द प्यूबिक सिम्फिसिस एंड पोस्टीरियरली वो कंबाइन कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ सैक्रोइलियक जॉइंट के थ्रू सैक्रम के साथ कंबाइन कर रही हैं। सैक्रम आगे से जॉइंट बना रही है हमारे लंबर वर्टिब्रा के साथ और इन्फीरियरली वो कोकस के साथ जॉइंट बना रही है। सो दीज आर ऑल द कंपोनेंट ऑफ आवर पेल्विक गर्डल जो कि सपोर्ट करते हैं अपर लिम को वेट ट्रांसमिशन के लिए। सो आज का हमारा टॉपिक इसी बोन के लिए सर्कुलेट करेगा, दैट इज आवर हिप बोन एंड इट इज अ समवट डिफिकल्ट टॉपिक। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलियम को डिस्कस करेंगे। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी द इलियम इज द अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द हिप बोन एंड इट हैज मैनी बॉर्डर एंड मैनी सर्फेसिस एंड दैट एंटीरो इन्फीरियरली जो पोर्शन लोकेटेड है उसको हम प्यूबिस बोन का नाम देते हैं और जो पोस्टीरियरली जो पोर्शन है दैट थिक रीजन इसको हम इस्कियम का नाम देते हैं। तो ये तीनों बोन जहाँ पे कंबाइन करती हैं वहाँ पे ये एक वाई बन रहा है। सो दिस बेसिकली इज अ स्ट्रिप ऑफ हायलिन कार्टिलेज। हायलिन कार्टिलेज इसका मतलब है इट इज अ ग्रोथ कार्टिलेज। सो इन तीनों बोनी कंपोनेंट की ग्रोथ होगी तो जहाँ ये कंबाइन करेंगी उस एरिया को ट्राई रेडिएट कार्टिलेज बोलते हैं और जब ये बाय द एज ये इनकी जब ग्रोथ होगी तो एंड पे यहाँ पे एपिफिजियल लाइन खाली रह जाएगी। सो जहाँ पे ये तीनों कंबाइन कर रही हैं वहाँ पे ये एसिटैबुलम बन रहा है, डेट इज अ कप शेप कनकेविटी है हमारी लेटरल साइड ऑफ द हिप बोन में। सो इसका एसिटैबुलम का क्या पर्पस है? सो एसिटैबुलम का पर्पस है कि एसिटैबुलम ही वो एरिया है जहाँ पे आपका हेड एंड नेक ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट करेगा ताकि आपका हिप ज्वाइंट की फॉर्मेशन हो सके। सो डैट इज द साइट ऑफ दिस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सो नाउ इलियम बेसिकली कंट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ द एसिटैबुलम एंड इट्स पार्ट इज अबाउट 2/5 एंड दिस इज योर वाई शेप ट्राई रेडिएट कार्टिलेज कंबाइनिंग दीज थ्री बोनी कंपोनेंट एंड योर प्यूबिस कंट्रीब्यूट 1/5 एंड द इस्कियम अगेन कंट्रीब्यूट 2/5। सो 2/5, 1/5 एंड अगेन 2/5 कंट्रीब्यूशन बाय द थ्री बोनी एलिमेंट। नाउ एसिटैबुलम के बारे में हम पढ़ेंगे। सो दिस इज योर एसिटैबुलम। अब एसिटैबुलम के हम पोर्शन की बात करें तो दैट इज अ सी शेप आर्टिकुलर एरिया दैट विल आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द फीमर बट ये इन्फीरियरली डेफिशिएंट है। तो इस एरिया को हम बोलते हैं एसिटैबुलर नोच। सो एसिटैबुलर नोच और हमारा ये जो सी शेप आर्टिकुलर एरिया है ये दोनों के दोनों हमारे हेड ऑफ द फीमर के साथ आर्टिकुलेट करेंगे लेकिन ये दरमियान में एक सर्कुलर सा एरिया रह जाता है
और यहाँ पे अटैच होता यहाँ पे फैट प्रेजेंट होती है, सो इसको हम एसिटेबुलर फोसा का नाम देते हैं। और इसी सी शेप मार्जिन के अराउंड अटैचमेंट होती है एसिटेबुलर लेब्रम की, जो कि एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है और ये बेसिकली डिपेंड करता है एसिटेबुलम को, ताकि आपका जो हेड ऑफ द फीमर है वो अच्छे से इस एरिया में होल्ड हो सके। सो जब ये अच्छे तरीके से होल्ड हो सकेगा, सो डैट्स मीन कि ये वो ज्वाइंट होगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो कि बहुत ज़्यादा मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा हमारी बॉडी को। और ये जो एसिटेबुलर नॉच है, दिस इज अगेन ब्रिज बाय लिगामेंट, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज बेसिकली ट्रांसवर्स एंड ड्यू टू एसिटेबुलम इट इज नेम एसिटेबुलर एंड इट्स अ लिगामेंट। सो सिंपली एक्सप्लेन इट्स नेम कि इसका नाम ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट है। हिप बोन को एनाटॉमिकल पोजिशन में रखना एक मेजर कंसर्न है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। सो अब इसके दो बोनी प्रोमिनेंट पॉइंट है, एक इलियम का है और एक हमारी प्यूबिस का है। सो ये एंटीरियर पल्पेबल पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, एंड दिस पॉइंट पल्पेबल एट द मिड लाइन इन द ग्रोइन क्रीज, दैट इज योर प्यूबिक ट्यूबरकल। सो दीज बोथ बोनी प्रोमिनेंसीज शुड कम इन द सेम क्रोनल प्लेन। अब क्रोनल प्लेन क्या होता है? क्रोनल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो कि बिल्कुल सेंट्रली हमारी बॉडी से गुजरता है। वो इस तरीके से गुजरता है कि वो आपकी बॉडी को एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट में, जो कि इक्वल हाफ है, उनमें डिवाइड करता है। सो आप अपनी बोन को इस तरह प्लेस करोगे कि इसके ये दोनों पार्ट्स एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल एक ही इस तरह की लाइन में आ जाएं। सो इसके लिए एक इजी मेथड ये है कि आप उसको किसी स्ट्रेट सरफेस के अगेंस्ट प्लेस करो, तो आपकी ये दोनों बोनी प्रोमिनेंट एक सेम प्लेन में आ जाएंगे। सो डैट विल मेक द एनाटॉमिकल पोजिशन ऑफ द हिप बोन, एंड इन द एनाटॉमिकल पोजिशन योर एसिटेबुलम दैट इज हेयर, एसिटेबुलम फेस फॉरवर्ड डाउनवर्ड एंड लेटरली, एंड द हेड ऑफ द फीमर इज अगेन अपोजिट टू दैट। सो ये फेस करेगा अपवर्ड फॉरवर्ड एंड मीडियली, इट इज जस्ट अपोजिट टू द एसिटेबुलम, एंड दिस इज प्यूबिस बोन एंड दिस इज बेसिकली द बॉडी एंड दिस इज सुपीरियर रेमस एंड दिस इज इन्फीरियर रेमस। सो द बॉडी ऑफ द प्यूबिस विल फेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड टूवर्ड्स यू इन द एनाटॉमिकल पोजिशन। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज द सिम्फीजियस सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस, इट विल फेस मीडियली। और आप लोग जानते हो कि ये अपोजिट सिम्फिसिस के साथ प्यूबिक सिम्फिसिस ज्वाइंट बनाएगी, दैट इज अ मिड लाइन ज्वाइंट विच एंड इज अ टाइप ऑफ स्कैंड्री कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जो कि समवट मूवमेंट भी अलाउ करता है। सो दिस इज अबाउट द एनाटॉमिकल पोजिशन। अब हम इलियम को डिस्कस करेंगे। इलियम को समटाइम्स हम फ्लैंक बोन भी कहते हैं, बिकॉज इट इज रेडिली पेल्पेबल इन द फ्लैंक। सो अब हम इस बोन के एनाटॉमिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। इट हैज वेरियस बॉर्डर एंड वेरियस सर्फेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये अपर बॉर्डर है, दैट इज होल इट्स अपर बॉर्डर, जो कि एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक रन कर रहा है। अब इसी अपर बॉर्डर को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज इलियक क्रेस्ट। सो इलियक क्रेस्ट और अपर बॉर्डर इज द सेम थिंग। सो जब आप इसको साइड व्यू में देखते हो इलियक क्रेस्ट को, सो यू कैन सी इट इज समवट कन्वेक्स। So it is starting from the interior and we go to the posterior, that is almost a convex structure. And that is the highest point of this convexity. And इसमें से एक प्लेन पास करता है जिसको हम बोलते हैं सुपरा क्रिस्टल प्लेन। अब इस प्लेन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब आप दोनों साइडों के सुपरा क्रिस्टल प्लेन को आप पल्पेट करते हो, तो आप रीच करते हो ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ द लंबर वर्टीब्रा ऑफ L4 एंड L5, एंड इट इज मोस्टली यूज फॉर द स्पाइनल एनेस्थीसिया, जिसमें आपने हमारे सब अरेक्नॉइड स्पेस में आपने ये एनेस्थीसिया का ब्लॉक इंजेक्ट करना होता है। सो बेसिकली फॉर द स्पाइनल एनेस्थीसिया यू पल्पेट द सुप्रा क्रिस्टल प्लेन। एंड now this is superior view of the iliac crest, this is side view, this was the side view and this was the superior view of the iliac crest. So when you see
फ्रॉम द सुपीरियर एस्पेक्ट द इलियक क्रस्ट इज सीन इन द फॉर्म ऑफ एस शेप स्ट्रक्चर. सो इसका ये कन्वेक्स पोर्शन है और ये इसका कनकेव पोर्शन है. सो इसको हम टू पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. सो दैट इज आवर वेंट्रल टू थर्ड दैट इज कन्वेक्स आउटवर्ड एंड आवर डॉर्सल वन थर्ड दैट इज कनकेव इनवर्ड. सो फॉर जस्ट द डिस्क्रिप्शन पर्पज द वेंट्रल टू थर्ड इट हैज वेरियस अटैचमेंट ऑफ द मसल ऑफ द एब्डोमेन रीजन. सो अकॉर्डिंग टू द लेयर ऑफ मसल जो यहाँ पे अटैच हो रही है इसके तीन पोर्शन में इसको हम डिवाइड कर देते हैं. सो दैट इज आउटर लिप दैट इज इंटरमीडिएट एरिया एंड दैट इज द इनर लिप ऑफ योर एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द इलियक क्रेस्ट. यहाँ पे एक प्रोमिनेंसी बनती है दैट इज लोकेटेड ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर बिहाइंड दिस एंटीरियर एंड ऑफ द इलियक क्रेस्ट. एंटीरियर एंड ऑफ द इलियक क्रेस्ट पे एक ये प्रोमिनेंसी है जिसको हम एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन बोलते हैं. एंड इन दिस व्यू दिस इज अवर इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन. क्या आपके इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और दैट प्रोमिनेंट पॉइंट हेयर दैट इज इलियक ट्यूबरकल एंड हेयर इज दिस इलियक ट्यूबरकल इन योर सुपीरियर व्यू. और जहाँ पे ये एंड हो रहा है यहाँ पे भी एक प्रोमिनेंसी है जिसको हम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं. एंड हेयर इज योर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. Posterior, it is posteriorly located. Superior, it is superiorly located. And it's a part of the ilium. So, ilium and tuberosity mean it is a some type of elevation. Again, the anterior, superior, anterior mean it is location is anterior and it is superior. And iliac, it is a part of iliac. And spine mean a elevation. So, these both are an elevation of our ilium bone. So, that's why they are named. That's why they are given a name spine. So, that is your vent. That is about the ventral two-third. Ab jo hamari dorsal two-third hai, jo ki end ho rahi hai hamari posterior superior iliac spine pe, us pe do major muscle ki attachment hai. So, according to their attachment, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. सो दैट इज आउटवर्ड एंड दैट इज इनवर्ड. सो आप उसको आउटर एरिया और इनर एरिया में जो कि दोनों को एक रिज सेपरेट कर रही होती है इस तरह हम डोर्सल वन थर्ड को डिवाइड करते हो. रोटेशन है आपके एब्डोमिनल मसल की. सो इस एरिया में मैंने हाईलाइट किया है जो आपके एब्डोमिनल मसल जो कि साइड में लोकेटेड होते हैं. सो दैट मसल आर External oblique, internal oblique and transverse abdominis. And here you can see this is your iliac crest. They are closely related with your iliac crest on the both side. So it's mean ki unki jo distal attachment hai ya distal jo unki distal attachment hai wo aapki iliac crest par hai. So I will discuss the various attachment jo ki aap is diagram mein dekh rahe ho on the iliac crest. So iliac crest is a bony projection for all these attachment. So anteriorly, so this is your anterior superior iliac spine and this is posterior superior iliac spine. So iliac crest is extending like this manner. So that tip anterior superior iliac spine is providing attachment to the muscle of the anterior thigh that is sartorius as well as this ligamentum structure inguinal ligament that divide your abdominal region from the anterior of the thigh. Now again a muscle that is tensor fasciae latae, it is attached from the outer border and it is extending on the outer lip of the anterior two-third of the iliac crest up to the tubercle of the iliac. So that is your tensor fasciae latae that basically tense your fascia latae which is the deep fascia of the your thigh region. Now external oblique, ye abdominal region ka muscle hai, ye bhi outer lip of the iliac crest pe aake insert hoga. Now internal oblique, iski origin hoti hai to the intermediate area. So whole of this intermediate area is for your internal oblique. Now the most inner lip is for the transverse abdominis. Transverse abdominis sabse deep hai, to iska ek fascia bhi hota hai jisko hum fascia transverse talus kehte hain. Wo isi origin ke around mein iske saath iliac crest ke saath attach hoga. And now latissimus dorsi, you know कि latissimus dorsi एक अपर लिम का मसल है
बट ये इलियक क्रेस्टा का एक्सटेंड करता है. सो इसके भी जो अटैचमेंट है इन लाइन विद द एक्सटर्नल ओब्लीक मसल ऑफ द एब्डोमेन के साथ है. एंड इन लाइन विद द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस वी हैव द रीजन ऑफ क्वाड्रेटस लंबोरम. क्वाड्रेटस लंबोरम के साथ साथ इस रीजन में आपका जो थोरैको लंबर फेशिया है वो भी इस रीजन में आके अटैच होता है. और ये जो हमारा आउटर एरिया है दैट इज फॉर द प्रॉक्सिमल अटैचमेंट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, दैट इज मसल ऑफ द ग्लूटिया रीजन. अब ये जो इसका इनर लोब है इट इज डेडिकेटेड फॉर मसल दैट इज इरेक्टर स्पाइनी, दैट बेसिकली इरेक्ट योर स्पाइनल कॉर्ड ड्यूरिंग द स्टैंडिंग एंड सम टाइम फोर्सफुल रेस्पिरेशन. एंड दिस होल ऑफ द इलियक क्रेस्ट दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड दिस होल ऑफ द आउटर लिप अप टू द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन प्रोवाइड अटैचमेंट टू फेशियल लैटा दैट इज योर डीप फेशिया ऑफ द लेग. सो आपका जो फेशियल लैटा है जो डीप फेशिया है वो पूरी की पूरी इस बोनी प्रोमिनस के साथ अटैच होता है. सो इन दिस डायग्राम दिस इज योर एब्डोमिनल मसल दैट आर अटैच विथ योर इलियक क्रेस्ट हेयर. दिस इज योर इंग्वाइनल लिगामेंट दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन अप टू द प्यूबिक ट्यूबरकल. दिस इज योर सार्टोरियस अगेन अटैच विथ योर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. दिस इज योर टेंसर फेशियल लैटा दैट इज अटैच विथ योर आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट. नाउ ऑन द पोस्टीरियर स्पेक दिस इज योर लैटिस. ये आपका लैटिसमस डोर्साई है दैट इज अगेन अटैच विद द वेंट्रल पोर्शन ऑफ योर इलियक क्रेस्ट. एंड हेयर विद द डोर्सल सेगमेंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट वी हैव द अटैचमेंट ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस. सो दीज आर द वेरियस मसल अटैच विद द इलियक क्रेस्ट. सो दैट्स योर ग्लूटियस मैक्सिमस दैट इज अटैच विद द डोर्सल सेगमेंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट. और इसकी जहाँ पे इंसर्शन है वहाँ पे फॉर्मेशन होती है इलियोटिबियल ट्रैक की जो कि थिकनिंग है हमारे फेशियल लैटा की. और इसके और जो हमारा टेंसर फेशियल लैटा है इसके दोनों फाइबर जाके आगे एक्सटेंड करते हैं एज द इलियोटिबियल ट्रैक. सो दैट इज योर ग्लूटियस मैक्सिमस, दिस इज योर टेंसर फेशियल लैटा एंड दिस इज योर इलियोटिबियल ट्रैक. एंड इलियोटिबियल ट्रैक इज गोइंग टूवर्ड्स द फॉर अटैचमेंट ऑन द गर्डीज ट्यूबरकल. नाउ आफ्टर द सुपीरियर बॉर्डर आई विल डिस्कस द लोअर बॉर्डर. सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी द लोअर बॉर्डर इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द एसिटैबुलम. एंड वी हैव डिस्कस बिफोर कि जो ये वाला पोर्शन है इट इज कंट्रीब्यूटिंग 2/5 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एसिटैबुलम. और ये वहाँ कंट्रीब्यूट करता है जहाँ पे आपका ट्राई रेडिएट कार्टिलेज प्रेजेंट है. नाउ एंटीरियर बॉर्डर, सो दिस इज बेसिकली द एंटीरियर बॉर्डर. इंटीरियर बॉर्डर पे आपको दो बोनी प्रोमिनेंसी मिलेंगी. वन बोनी प्रोमिनेंसी इज लोकेटेड हेयर और एक ये दूसरी बोनी प्रोमिनेंसी है. सो दीज बोनी प्रोमिनेंसी आर नेम, जो ऊपर वाली है उसका नाम है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और जो इन्फीरियरली है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन. सो दे आर बोथ बोनी एलिवेशन डेट आर रिलेटेड विद योर इलियम बोन. सो दीज प्रोवाइड अटैचमेंट टू मसल और लिगामेंट ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. सो एज वी हैव डिस्कस बिफोर इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन प्रोवाइड करेगा अटैचमेंट सर्टोरियस एंड इंग्वाइनल लिगामेंट. और जो आपके इंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है इट विल प्रोवाइड अटैचमेंट टू द स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरस एज वेल एज इलियो फेमोरल लिगामेंट. सो सर्टोरियस इंग्वाइनल लिगामेंट टू द इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरस एंड इलियो फेमोरल लिगामेंट टू द इंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन दैट आर अटैचमेंट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर. सो इन दिस सो ये आपका है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. ये प्रोवाइड अटैचमेंट कर रहा है आपके सर्टोरियस जो कि एक रिबन लाइक मसल है. अल्टीमेटली अटैचमेंट के लिए जा रहा है टूवर्ड्स द टिबिया एंड दैट लार्ज मसल इज योर रेक्टस फेमोरस मसल और इसकी अटैचमेंट हो रही है आपके इंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन पे. एंड दैट इज योर इंग्वाइनल लिगामेंट जिसकी अटैचमेंट हो रही है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड इट इज गोइंग टूवर्ड
यू आर प्यूबिक ट्यूबरकल, सो डेट आर द अटैचमेंट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर. और यहाँ पे जो मसल या लिगामेंट लग रही हैं, दे आर मोस्टली बिलोंग टू द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम. सो इस पे भी दो बोनी एलिवेशन है और एक डीप नॉच है. सो इस अपर बोनी एलिवेशन का नाम है पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, और जो इन्फीरियर एलिवेशन है इसका नाम है पोस्टीरियर इन्फीरियर इलिक स्पाइन. सो जैसा कि इन दोनों के दरमियान एक शैलो सी नॉच थी, इधर भी इन दोनों बोनी प्रोजेक्शन के दरमियान भी एक छोटी सी नॉच है, लेकिन पोस्टीरियर इन्फीरियर इलिक स्पाइन के नीचे एक बड़ी सी नॉच है. इस नॉच को हम अकॉर्डिंग टू इट्स नेम हम ग्रेटर शियाटिक नॉच का नाम देते हैं, और ये वही नॉच है जहाँ से आपकी शियाटिक नर्व ने पास होके लोअर लिम में जाना है. सो पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन प्रोवाइड अटैचमेंट टू सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, और बाकी जो पोस्टीरियर इन्फीरियर इलिक स्पाइन है ये और जो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन के जो मार्जन है दे प्रोवाइड अटैचमेंट टू पीरीफॉर्मिस. सो बेसिकली वन लिगामेंट एंड वन मसल पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन के साथ सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, और बाकी पोस्टीरियर इन्फीरियर इलिक स्पाइन एंड द मार्जन ऑफ द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन विल प्रोवाइड अटैचमेंट टू पीरीफॉर्मिस मसल. सो इन दिस डायग्राम आप ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट देख रहे हो. सो इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलिक स्पाइन एज वेल एज फ्रॉम द सैक्रम. सो इसका नाम है सैक्रो, सैक्रम मीन सैक्रम से आ रहा है, ट्यूबरस इट इज गोइंग टूअर्ड द ट्यूबरोसिटी ऑफ द इलियम, ट्यूबरोसिटी ऑफ द इस्कियम बोन, दैट इज इस्कियल ट्यूबरोसिटी. सो दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम सैक्रम टू ट्यूबरोसिटी, सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, एंड दैट इज योर पीरीफॉर्मिस मसल. ये आपकी ग्रेटर शियाटिक नॉच है. ग्रेटर शियाटिक नॉच में जो इसके बोनी मार्जिन है दैट आर प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू दिस मसल ऑफ द ग्लूटिया रीजन, दैट इज पीरीफॉर्मिस मसल. नाउ द मीडियल बॉर्डर. सो मीडियल बॉर्डर इज सीन ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ योर हिप बोन. जो अभी तक हमने बात की दे आर वेल प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ योर हिप बोन. नाउ वी हैव कम टू द मीडियल एस्पेक्ट. सो अगेन दिस इज योर सुपीरियर बॉर्डर जिसको हमने इलिया क्रेस्ट का नाम दिया था. इन्फीरियर बॉर्डर पे ये कंबाइन कर रही है दूसरी बोनी एलिमेंट्स के साथ और टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटैबलम, और ये हमारा मीडियल बॉर्डर है ऑन द इलिया क्रेस्ट एंड इट गोज डाउनवर्ड. एंड यहाँ पे ये कंबाइन करेगा एट द लेवल ऑफ द इलियोप्यूबिक एमिनेंस. इलियोप्यूबिक एमिनेंस के बाद यहाँ पे आपकी इलियम बोन स्टार्ट हो जाएगी. सो ये एक जो कॉन्टिन्यूस लाइन बन रही है दैट इज योर आर्कुएट लाइन एंड इट इज कंट्रीब्यूटिंग हेयर बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ द इलियम. एंड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ इलियम बोन यहाँ पे जब प्यूबिस बोन स्टार्ट हो रही है तो प्यूबिस बोन का ये पार्ट है जिसको हम पेक्टिनियल लाइन बोलते हैं. And this is your pubic crest. So, medial border of the ilium, pectineal line and pubic crest, these are contributing to the formation of the arcuate line. So, arcuate line is an imaginary line that divide your true pelvis from the false pelvis. So, that iliac fossa region is your false pelvis and below the arcuate line is your is and below the arcuate line is lying your true pelvis. Now we will the first surface hai, that is present between anterior border, posterior border, superior border and the inferior border is the gluteal surface. Ab gluteal surface pe kuch line present hoti hain. So is pe hamare gluteal muscle attach hote hain, bade bade bahut bada inka role hai function mein. So ye tino ग्लूटियल मसल इनकी लाइन ऑफ पुल और इनका एक्शन इतना ज़्यादा है कि दे प्रोड्यूस लाइंस एंड दिस वन मोस्ट पोस्टीरियरली लोकेटेड इज पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, उसके आगे इंटीरियर ग्लूटियल लाइन और उसके आगे इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन. सो आपकी जो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है ये स्टार्ट होती है इन फ्रंट ऑफ योर पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर एंड इट रन डाउनवर्ड एंड इट एंड एट द ग्रेटर शियाटिक नॉच. एंटीरियर ग्लूटियल लाइन स्टार्ट हो रही है एट द लेवल ऑफ इलियक ट्यूबरकल एंड इट इज अगेन रनिंग डाउनवर्ड
एंड इट इज ऑलमोस्ट एंडिंग एट द मिडल ऑफ योर इंटरस्टियाटिक फोरामेन. द नेक्स्ट लाइन इज योर इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, ये स्टार्ट हो रही है एट द लेवल ऑफ एंटीरियर इन्फीरियर इलिक स्पाइन एंड इट इज अगेन एंडिंग एट योर एपिक्स ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच. तो तीनों की तीनों लाइन आगे ग्रेटर शियाटिक नॉच में टर्मिनेट हो रही है. सो इन तीन लाइनों की वजह से हमारे ग्लूटियस सरफेस को हम फोर एरिया में डिवाइड कर सकते हैं. इन्हीं फोर एरिया पे डिफरेंट डिफरेंट मसल्स की अटैचमेंट है. सो बिटवीन द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन इज द एरिया नंबर वन एंड दिस प्रोवाइड अटैचमेंट टू ग्लूटियस मैक्सिमस. सो एंड बिटवीन द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एंड द इंटीरियर ग्लूटियल लाइन इज द एरिया नंबर टू एंड इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू ग्लूटियस मीडियस. एंड बिटवीन anterior gluteal line and inferior gluteal line is the area number 3 which provide attachment to our gluteus minimus. So these are gluteus maximus, gluteus medius and gluteus minimus between the gluteal line. And below the inferior gluteal line, ye jo area hai, it is providing attachment to reflected head of the rectus femoris. So iska straight head yahan pe lag raha hai aur iska jo reflected head hai wo area number 4 between acetabulum एंड इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन के दरमियान रिफ्लेक्टेड हेड आके अटैच हो रहा है. सो दिस इज इलियक फोसा. इलियक फोसा इज प्रेजेंट बिटवीन योर सुपीरियर बॉर्डर और इलियक क्रेस्ट, एंटीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर. सो ये एक कनकेविटी सी बन रही है जिसको हम इलियक फोसा का नाम देते हैं. वेन वी टॉक अबाउट इट्स अटैचमेंट, तो यहाँ पे आपके फॉल पेल्विस का एक मसल है जिसका नाम इलियकस है, वो ऑलमोस्ट इसको ऑक्यूपाई करता है और उसके साथ उसका बर्सा भी प्रेजेंट होता है. सो दैट इज योर आर्कुएट लाइन एंड दैट इज योर फॉल पेल्विस और इसको ऑक्यूपाई कर रहा है आपका इलियकस मसल एंड इसका बर्सा. सो द नेक्स्ट सरफेस इज योर सैक्रो पेल्विक सरफेस एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन योर पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर एंड द सुपीरियर बॉर्डर. इसको हम तीन एरिया में डिवाइड कर लेते हैं. सो दैट पार्ट इज नंबर वन, दैट इज योर इलियक ट्यूबरोसिटी. दिस इज योर ऑरिकुलर एरिया बिकॉज की जो शेप है वो एक ऑरिकल की तरह है. एंड दिस इज योर पेल्विक सरफेस क्योंकि इसके ऊपर आर्कुएट लाइन है, तो यहाँ पे आपका ट्रू पेल्विस है, तो इसको हमने इसके अकॉर्डिंगली हमने पेल्विक सरफेस का नाम दे देना है. तो जो आपकी इलियक ट्यूबरोसिटी है इसमें समवट रफनेस है, इसके जो मार्जिन वाले एरिया है ज़्यादा एलिवेटेड है और जो सेंट्रल वाला एरिया है वहाँ पे भी रफनेस है, या क्योंकि यहाँ पे बहुत से लिगामेंट्स ने अटैच होना है जो कि आपका सैक्रो इलियक ज्वाइंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है. दिस इज द ऑरिकुलर सरफेस जहाँ पे आपकी सैक्रम के एला ने आर्टिकुलेट करना है और यहाँ पे सैक्रो इलियक ज्वाइंट बनेगा. एंड दिस योर पेल्विक सरफेस और पेल्विक सरफेस आके बॉडी ऑफ द स्कम के साथ कंबाइन कर रही है. और यहाँ पे बिल्कुल ऑरिकल के आगे एक सल्कस होता है जिसको हम प्री ऑरिकुलर सल्कस बोलते हैं, जहाँ पे अगेन आपके लिगामेंट की अटैचमेंट है जो कि सैक्रो इलियक ज्वाइंट का लिगामेंट है और ये ज़्यादा डीप होता है इन केस ऑफ फीमेल. सो ये हमारे तीनों पार्ट हैं, इलियक ट्यूबरोसिटी, ऑरिकुलर सरफेस कान वाली, एंड दिस इज अवर पेल्विक सरफेस दैट आर द पार्ट ऑफ अवर सैक्रो पेल्विक सरफेस. अब अटैचमेंट की बात कर लेते हैं. तो जो आपका प्री ऑरिकुलर सल्कस है, ऑरिकल के आगे आगे ये सारा सल्कस है, इसको हम प्री ऑरिकुलर सल्कस का नाम देते हैं. दैट गिव अटैचमेंट टू वेंट्रल सैक्रो इलियक लिगामेंट. ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ दैट सैक्रो पेल्विक सरफेस वी हैव द अटैचमेंट ऑफ द डॉर्सो सैक्रो इलियक लिगामेंट एंड बिटवीन दीज टू पॉइंट होल हेयर दैट एलिवेटेड एरिया ऑफ द इलियक ट्यूबरोसिटी. Here we have the attachment of the interosseous. Interosseous mean between the bone. और यहाँ पे जो ligament बन रहा है वो आपका sacroiliac ligament है. So यही reason है कि sometime जो sacroiliac joint है उसको sometime interosseous joint में भी include किया जाता है. So now some the clinical aspect of the ilium. So जो आपकी ilium bone है, हमने पहले discuss किया था कि ये flat bone है. सो इसमें दो लेयर होती हैं, दोनों साइडों पे कम्पैक्ट और दरमियान में स्पॉन्जी. स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट होता है बोन मैरो जहाँ बेबी होती है हमारी बॉडी में. सो दैट इज़ गुड साइड फॉर बोन मैरो स्पेसिमन कि आप इसमें सुई डालोगे और बोन मैरो का स्पेसिमन लोगे. जो बहुत सी डिजीज हैं जैसे कि हीमाटोलॉजिकल हैं,
या ऑन्कोलॉजिकल है, या आपको और किसी डिजीज़ को डायग्नोस करना है, या कोई वायरस स्टडी करनी है, तो समटाइम यू नीड द बोन मैरो बायोप्सी एंड इट इज़ द गुड साइट फॉर द बोन मैरो बायोप्सी द योर इलियक क्रेस्ट. अब सब टाइम देर इज़ अ टर्म यूज इन फॉर द हिप बोन डैट इज एपोफिसिस. सो मोस्टली जो आपकी बॉडी में ये बोनी प्रोमिनेंसी होती हैं जो कि बहुत से मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही होती हैं, इनमें इनके अपने स्कैंड्री ओसिफिकेशन सेंटर प्रेजेंट होते हैं. लेकिन इन केस ऑफ हिप बोन वी यूज़ द टर्म एपोफाइसिस के ये जो बोनी प्रोजेक्शन है इनमें स्कैंड्री ओसिफिकेशन सेंटर नहीं होते, जैसा कि एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन की बात की जा रही है. लेकिन इसके साथ हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट मसल अटैच होते हैं जैसा कि सार्टोरियस इंग्वाइनल लिगामेंट. सो सम टाइम एथलीट जो हैं वो लोअर लिम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, वो कोई भी स्पोर्ट हो सकता है. सो इनमें एक कंडीशन डिवेलप हो सकती है इन द एथलीट जिसको हम इवल्जन ऑफ द एपोफिसिस कहते हैं. सो आपका एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन या कोई भी बोनी प्रोमिनेंसी डैट कैन इवल्ज. सो सम टाइम इसी एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन की इवल्जन को हम फ्रैक्चर ऑफ द हिप पॉइंटर का भी नाम देते हैं. सो दिस इज अबाउट योर एनाटॉमी ऑफ द इलियम बोन. होप यू फाइंड दिस सेशन हेल्पफुल.